डॉक्टर सेन पंडित, मैं आप लोगों को ब्लड शुगर चेक करके बता रहा हूँ। करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ब्लड शुगर फास्टिंग जो है 80 से लेकर 100 तक होता है। आफ्टर खाना खाने के बाद 170 से लेकर 200 तक, ठीक खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद 120 से 140 तक। तो आइए हम ब्लड शुगर चेक करके दिखाते हैं। इससे पहले हम पिन चेंज करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए पिन मैं चेंज कर रहा हूँ, ये पुराना मैं निकाल के हटा दिया, अभी नया वाला है, इसको तोड़ करके इसमें सेट हो गया। देखिए इसको हम इसमें लगा के बिल्कुल टाइट हो गया, हमें पीछे खींचना है ताकि आगे पिन निकल सके। चलिए हम उसके बाद जो हम इसमें शुगर स्ट्रिप लगा देंगे, शुगर स्ट्रिप लगा दिए इसमें। अब देखिए इसमें ब्लड का एक लोबो आ चुका है। चलिए चलिए अब हम टेस्ट करके बताते हैं। खाना खा के आए हुए हैं, 2 घंटे बाद हो चुके हैं, हम टेस्ट करते हैं। ये पहले इससे क्लीन कर लिए हम, ये देखिए हम इससे पिन मारते हैं यहाँ पे। देखिए अब उसको हमें स्टिक पे ले लेना है। देखिए नंबर आना अब चालू हो गया है। यानी कि खाना खाने के 2-3 घंटे हो गए इनको, यानी 152 आया हुआ है। तो ये जो 120 और 140 का जो रेशियो है तो उससे थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि कुल मिला के 12 पॉइंट ऊपर है। तो दोस्तों इस तरह से ब्लड शुगर का जांच किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।